हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट हब है आज फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, जो हमारा फिफ्थ सेम है बी फॉर्म थर्ड ईयर। तो उसकी जो आज हब है वो हमारी है फिनाइल प्रोपेनॉइड एंड फ्लेवोनॉइड्स। जो हर्ब है वो हमारी है टी, मतलब चाय। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में टी के बारे में पूरा, फार्माकोग्नोसी क्या होता है। अगर हम बात करें थोड़ा सा प्लांट आइडेंटिफिकेशन, तो इस तरह का प्लांट देखने में मिलता है जो हमारा टी होता है, चाय जो लोग पीते हैं हम लोग, तो उसका जो प्लांट है वो इस तरह का कुछ देखने को मिलता है आपको। अगर हम बात करें सिनोनिम्स, तो चाय के नाम से जानते हैं या फिर टी लीफ, जो सिनोनिम्स है इसका टी लीफ या फिर चाय के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल सोर्स, तो बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करें तो क्या है, इट कंटेन दी प्रिपेयर्ड लीव्स एंड लीफ बड्स ऑफ थियासाइनेंसिस। थियासाइनेंसिस का बोटेनिकल नेम है, और हमें कहाँ से मिलता है, ये मिलता है लीफ पार्ट से, मतलब पत्ती जो होती है वहां से हमें मिलता है या फिर लीफ बड से मिलता है। क्लियर। अगर हम बात करें इसकी फैमिली की, तो थियेसी इसकी फैमिली है, थियेसी फैमिली से बिलोंग करता है आपका टी। ज्योग्राफिकल सोर्स अगर हम देखें तो इट्स मेनली कल्टिवेटेड इन इंडिया। इंडिया में कहाँ पे, असम, सिलोन, जापान एंड जावा। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी माइक्रोस्कोपी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो दी एपिडर्मल सेल आर मेड ऑफ पॉलीगोनल सेल विच आर स्लाइटली वेवी वॉल्स। ठीक है, इट कंजिस्ट ऑन इट सेल्फ स्टोमेटा एंड ट्राइकोम्स। द ट्राइकोम्स आर थिक वॉल्ड यूनिसेलुलर कोनिकल कवरिंग विच एराइज ऑन द लोअर सर्फेस एंड इन लार्ज नंबर इन यंग लीव्स। मतलब आपको स्टोमेटा मिलते हैं, ट्राइकोम्स मिलते हैं, जो आपका जो ट्राइकोम्स है वो कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं एंड यूनिसेलुलर आपको देखने को मिलेंगे। द मेसोफाइल रीजन कंजिस्ट ऑफ टू रोज ऑफ पैलिसाइड पैरेन्काइमा सेल एंड लार्ज लैग्निफाइड स्क्लेरेट्स विच एराइज सम इंटरवल्स एंड आर एक्सटेंडेड अक्रॉस द मेसोफाइल फ्रॉम वन एपिडर्मिस टू द अदर। क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जिलेट आर स्कैटर्ड इन फ्लोएम एंड पैरेन्काइमा। जो आपके फ्लोएम एंड पैरेन्काइमा रीजन में आपको कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल भी कुछ वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर बात करें फाइटोकेमिकल, तो फाइटोकेमिकल्स कितना है आपका, द लीव्स आर इन रिच सोर्स ऑफ कैफीन। एज वी नो, जो हमारी टी है वो कैफीन रिच सोर्स होती है। इट ऑल्सो कंटेन थियोब्रोमिन एंड थियोफाइलिन इन माइनर क्वान्टिटी। सबसे जो मेजर क्वांटिटी है वो आपकी कैफीन की होती है, बट माइनर क्वांटिटी में क्या है आपका, थियोब्रोमीन है यहाँ पे। ठीक है, थियोब्रोमीन है एंड थियोफाइलिन इन माइनर क्वांटिटीज। द कलर ऑफ टी लीव्स इज ड्यू टू टैनिन। ठीक है, जो चाय बनती है उसका कलर किस वजह से आता है, वो आता है ड्यू टू टैनिन। और जो टैनिन का परसेंटेज है आपका, स्पेशली गैलोटैनिक एसिड का, वो कितना है, 10-20%। मतलब 10-20% आपका गैलोटोनिक एसिड होता है आपका टी में, जिसकी वजह से उसका कलर आता है। The agreeable odor is due to presence of yellow volatile oils। जो आपकी एक महक आती है, एक odor आती है, वो आती है volatile oil की वजह से। ठीक है, tea leaves also contain protein, wax, resin and ash। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं tea leaves में, protein है, wax है, carbohydrate है, resin and ash है। ठीक है, अगर हम बात करें caffeine structure की, तो structure आपको इसमें theophylline caffeine का structure draw करना है। ये आपका caffeine का structure है and this one caffeine, theophylline, this one caffeine and this one theophylline, new to draw and copy। अगर बात करें therapeutic uses की, तो well known है, it is used as stimulant, CNS stimulant की तरह काम करता है, astringent and also as a diuretic। astringent मतलब bacterial protein को precipitate कर रहा है, आपकी mucous membrane को maintain रखता है, healthy रखता है। diuretic मतलब ऐसी औषधि, ऐसी medicine जो आपकी ureases को बढ़ाती हैं, आपकी जो urine flow है उसको बढ़ाती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक role play करता है। अगर हम बात करें इसके कॉमर्शियल एप्लीकेशन या फिर प्रिपरेशन की, तो ब्रोकबॉन्ड के नाम से टी आता है। ठीक है, और इसके अलावा एडवांस कैफीन, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल जाएंगे। बहुत सारे आपकी एलोपैथिक प्रिपरेशन भी आती हैं इसमें, जो कि आपको कफ सिरप्स में मिल जाएगा आपको, या फिर जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं उसमें भी कुछ मिक्सर आपको वहाँ पे मिल जाएगा कैफीन का।